दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक देश जो पहले भारत के खिलाफ कश्मीर के मुद्दे पर राजनीतिक खेल खेलता था और हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर भारत को कॉर्नर करने की साजिश में लगा था, आज वही देश भारत के सामने हाथ जोड़ रहा है। अपने अपकमिंग इंटरनेशनल इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत की शमूलियत की भीख मांग रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की, जो इस साल के प्रेस्टिजियस COP29 समिट के होस्ट के तौर पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गया है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है, भारत ने एक ऐसा बॉम्बशेल रिस्पांस दिया है जो अजरबैजान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन गया है और डिप्लोमेटिकली एक बड़ी उथल पुथल मच गई है। दोस्तों, कॉप यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक एनुअल समिट है जहां दुनिया भर के लीडर्स मिलते हैं और क्लाइमेट चेंज जैसे अर्जेंट इश्यूज पर चर्चा करते हैं। ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का रिडक्शन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर डिस्कशंस होते हैं। हर साल अलग अलग देश इस समिट को होस्ट करते हैं और इस बार ये अपॉर्चुनिटी अजरबैजान को मिली है, जिसका कैपिटल बाकू अगले हफ्ते COP30 के मेहमानों का स्वागत करने वाला है। दोस्तों, अजरबैजान का एक्साइटमेंट बिल्कुल समझने लायक था COP29 को होस्ट करना। छोटी बात नहीं है, ये एक प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म है ग्लोबल विजिबिलिटी के लिए और अजरबैजान ने डेफिनेटली इसे एक ग्रैंड सक्सेस बनाने की प्लानिंग की होगी। नेचुरली अजरबैजान ने ऑफिशियली भारत सरकार को इनवाइट किया और उन्हें लगा कि भारत की प्रोमिनेंट प्रेजेंस होगी, लेकिन भारत ने एक ही मूव में अजरबैजान का सारा एक्साइटमेंट शर्मिंदगी में बदल दिया और इस इंसिडेंट के अपडेट्स तेजी से आने लगे हैं। दोस्तों, भारत ने डिसाइड किया है कि वो अजरबैजान में होने वाले COP29 समिट में अपना पवेलियन सेटअप नहीं करेगा। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है, 2021 के कोविड ईयर के अलावा भारत ने कंसिस्टेंटली कॉप समिट्स में अपना पवेलियन एस्टैब्लिश किया है। हर साल अपनी क्लीन और ग्रीन एनर्जी कमिटमेंट्स को शोकेस करने और ग्लोबल क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में अपनी इंपॉर्टेंट रोल को हाईलाइट करने के लिए। लेकिन इस साल बिल्कुल नहीं, भारत का पवेलियन सेटअप ना करने का डिसीजन एक पावरफुल स्टेटमेंट है, जिसका मतलब है कि अजरबैजान के इस हाई प्रोफाइल COP29 समिट में कोई इंडियन पवेलियन नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें एक और मजेदार ट्विस्ट है, पवेलियन के विड्रॉवल पर ही भारत ने रुकावट नहीं लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद COP29 में शामिल नहीं होंगे। आमतौर पर पीएम मोदी वही कॉप समिट्स में अटेंड करते हैं जो उन देशों में होती हैं जिनके साथ भारत के स्ट्रांग डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं। अगर नहीं तो भारत अपने कैबिनेट लेवल एनवायरमेंट मिनिस्टर को भेजता है, जैसे लास्ट ईयर दुबई में COP28 हुआ था, तब पीएम मोदी ने पर्सनली अटेंड किया क्योंकि यूएई के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। लेकिन 2022 में जब COP27 इजिप्ट में हुआ था, तब पीएम मोदी ने अटेंड नहीं किया और सिर्फ एनवायरमेंट मिनिस्टर भारत की रिप्रेजेंटेशन में गए थे। इसी प्रोटोकॉल के मुताबिक इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि COP29 के लिए कैबिनेट लेवल मिनिस्टर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक और ट्विस्ट है, इस साल पीएम मोदी के ना होने के साथ साथ भारत एक जूनियर मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट मिनिस्टर की जगह भारत मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट हैं, उन्हें अजरबैजान भेज रहा है। एक इतने बड़े और इंपॉर्टेंट समिट के लिए ये एक अनयूजुअल मूव है जो क्लियरली एक स्नब सिग्नल करता है। इसका मतलब है कि भारत की तरफ से अजरबैजान में COP29 में कोई कैबिनेट लेवल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक बड़ी मैसेज है। लेकिन दोस्तों, ये सब नहीं है, भारत की डेलीगेशन का साइज भी अपनी कहानी कहता है। रिपोर्ट्स में आया है कि भारत अपनी स्मॉलेस्ट डेलीगेशन भेज रहा है अजरबैजान के लिए, जिसमें मिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह सिर्फ 19 मेंबर्स की टीम लीड करेंगे। सोचिए, सिर्फ 19 रिप्रेजेंटेटिव्स इतने क्रिटिकल ग्लोबल समिट के लिए, ये रीसेंट मेमोरी में भारत की सबसे छोटी टीम होगी जो किसी कॉप समिट में जाएगी। अजरबैजान अनडाउटेडली ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि भारत का एक रोबस्ट प्रेजेंस होगा एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ, लेकिन ये लिमिटेड पार्टिसिपेशन उनके लिए निराशा का कारण बन सकता है। लगता है भारत ने अपना पार्टिसिपेशन सिंबॉलिक प्रेजेंस तक ही सीमित कर दिया है। आखिर दोस्तों, भारत ने अपना इन्वॉल्वमेंट इतना लिमिटेड क्यों रखा? जवाब मिलता है भारत और अजरबैजान के स्ट्रेंड डिप्लोमेटिक डायनामिक्स में। सालों से अजरबैजान बार बार कश्मीर के मुद्दे में दखल देता रहा है,
जो भारत का इंटरनल मैटर है, ये मेडलिंग जो अक्सर भारत के एडवर्सरीज के साथ अलाइनमेंट में होती है, भारत और अजरबैजान के रिलेशंस में एक सोर पॉइंट बन गई है। इस COP29 में मिनिमम पार्टिसिपेशन का डिसीजन क्लियर इंडिकेशन है कि भारत अजरबैजान के कश्मीर के मुद्दे पर किए गए एक्शंस का जवाब दे रहा है। पर दोस्तों, ये बात इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है अपना पेविलियन विथड्रॉ करके और अपना पार्टिसिपेशन लिमिट करके भारत एक स्ट्रांग डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहा है जो इंटरनेशनल अरीना में डेफिनेटली नोटिस किया जाएगा। यह सिर्फ ये नहीं दिखाता कि भारत उन कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करना चाहता जो उसकी सॉवरेंटी का सम्मान नहीं करते, बल्कि ये भी हाईलाइट करता है कि भारत अपने सिग्निफिकेंट इश्यूज पर स्टैंड लेने की कैपेसिटी रखता है। अजरबैजान एक होस्ट के तौर पर शायद उम्मीद कर रहा था कि भारत जैसे मेजर प्लेयर्स उसके COP29 समिट को सक्सेस बनाने में मदद करेंगे, लेकिन भारत के विथड्रॉवल के साथ उनका वो सपना अब थोड़ा फेड हो गया है। दोस्तों, इसके इम्प्लीकेशन समझिए इंडियन पवेलियन का एब्सेंस COP29 के लिए एक हाईलाइट कम कर देता है जो ग्लोबल ग्रीन इनिशिएटिव्स को शोकेस करता है। पहले के समिट्स में भारत के पेविलियंस मेजर अट्रैक्शंस रहे हैं, जहां भारत के क्लीन और ग्रीन एनर्जी में एडवांसमेंट्स को दुनिया के सामने रखा गया। लेकिन इस बार अजरबैजान के COP29 में ये एक मेजर एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और इम्पैक्टफुल क्लाइमेट सॉल्यूशंस के मामले में दुनिया का एक तेजी से बढ़ता इकोनॉमी वहां नहीं दिखेगा। दोस्तों, वक्त की बात करें तो डेलीगेशन साइज भी अपनी स्टोरी बोल रहा है। जनरली भारत एक बड़ी टीम भेजता है जो डिस्कशंस, नेगोशिएशंस और प्रेजेंटेशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है ऐसे हाई स्टेक्स समिट्स में, लेकिन इस बार सिर्फ 19 मेंबर्स को भेजकर भारत ये इंडिकेट कर रहा है कि वो अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एक ऐसे समिट में जो एक ऐसे देश में होस्ट हो रहा है जो भारत के इंटरनल मैटर्स का सम्मान नहीं करता, जूनियर मिनिस्टर को कैबिनेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव की जगह भेजकर भारत अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर रहा है, हम पार्टिसिपेट करेंगे पर बिल्कुल मिनिमली। दोस्तों, जैसे ही इस डिप्लोमेटिक स्नब की खबर फैली, ये क्लियर हो गया कि इसका रिपल इफेक्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक सर्कल्स में महसूस किया जा रहा है। अजरबैजान जो पहले ही अपने इंटरनल और रीजनल चैलेंजेस से जूझ रहा है, अब भारत के लिमिटेड पार्टिसिपेशन के वजह से एक और एम्बैरेसमेंट का सामना कर रहा है। ये फैक्ट कि ये सब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है जहां अजरबैजान अपनी इंटरनेशनल इमेज को स्ट्रेंथन करने की उम्मीद कर रहा था, वो उनके लिए और भी डैमेजिंग बन गया है। दोस्तों, अजरबैजान के इमेज बूस्टिंग के एफर्ट्स इस डिप्लोमेटिक सेटबैक से ओवरशैडोड हो सकते हैं और COP22 इसके बाद एक रिमाइंडर के तौर पर याद रखा जा सकता है कि भारत के सॉवरेंटी का सम्मान ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। अपनी राय कमेंट में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचती रहे।